पश्चिम बंगाल के चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी हर तरकीब आजमा रही है। एक बार फिर से बीजेपी ने उसी रथ यात्रा वाले पुराने फॉर्मूले पर भरोसा जताया जिसकी वजह से वो सत्ता के शिखर तक पहुंची। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 5 रथ यात्राएं निकालने जा रही है जिसमें से 1 रथ यात्रा आज रवाना हो गई। तो क्या रथ से मिलेगा बंगाल विजय का पथ? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा निकल पड़ी है। इस साल बंगाल विजय के लिए ये बीजेपी का नया दांव है जिसकी शुरुआत आज नादिया के नवाद्वीप में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है और बीजेपी के नेतृत्व तो खुद पार्टी के कमान अध्यक्ष। कैसा रिस्पॉन्स है सर? देखिए आप बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं अभी जहां से आया वहां भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और रोड शो में इस तरह देखिए लोगों में। देखिए जब मैं इस तरीके से कहता हूं तो उधर से या तो जय श्री राम या भारत माता की जय का नारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जय श्री राम में आपका सिंगरा हो गया है। जी बिल्कुल, सब लोगों में बहुत जोश है और जन सैलाब स्थान स्थान पर जो देखने को मिल रहा है वह एक तरीके से बदलाव का की निशानी है और बदलाव का सिग्नल है। बदलाव मतलब परिवर्तन? जी परिवर्तन परिवर्तन वही परिवर्तन वही नारा जो ममता जी ने 10 साल पहले दिया। जी जी हाँ, उनका परिवर्तन दूसरा था और हमारा परिवर्तन जो है वो सुशासन का है। नादिया जाने से पहले मालदा में बीजेपी ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस राजनीतिक शो में भी जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। इस बहाने जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया, हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। बीजेपी ने बंगाल में इस रथ यात्रा को परिवर्तन यात्रा नाम दिया है। बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में नादिया समेत 5 जगहों से ऐसी रथ यात्रा निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के 5 जोन में ये रथ यात्रा करीब महीने भर तक चलेगी। 11 फरवरी को कूच विहार में यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी की हर रथ यात्रा 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी जबकि 5 परिवर्तन यात्रा का समापन कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इस परिवर्तन यात्रा का एजेंडा भी सेट कर दिया है। ममता जी ने अपनी जिद में अपने ईगो के कारण अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000 क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किस्त निकली तीसरे साल की यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। और आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती है ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता जी बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। भाइपों को नमस्ते करने का तय कर लिया है और चाल चोर कौन है
कराइए, आप कह रहे हैं किसान भाई। नादिया से पहले नड्डा आज मालदा पहुंचे। मालदा में बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने यहां रोड शो निकाला जिसमें काफी भीड़ जुटी। इसके बाद उन्होंने नादिया का रुख किया और यहां के श्री गौरंगा जन्मस्थान आश्रम के मंदिर में पूजा अर्चना की। नादिया के नवाद्वीप में नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नवाद्वीप नादिया जिले की एक विधानसभा सीट है। वहां जाने से पहले नड्डा ने किसानों के साथ भोजन किया जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कुछ और बीजेपी नेता भी शामिल हुए। तो बीजेपी को एक बार फिर रथ का आसरा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रथ से निकलेगा बंगाल में बीजेपी का विजय पथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।